देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क के इंडाला वन चौकी क्षेत्र में बाघ T85 की मौत हो गई। हालांकि अभी तक मौत के मामले का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन संबंधित अधिकारियों का कहना है कि रणथंभौर में बाघों की संख्या अधिक होने के कारण आपसी मुठभेड़ में घटनाएं बढ़ रही है और इसी के चलते T85 आपसी मुठभेड़ में घायल हो गई, जहां उपचार के दौरान T85 की मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद बाघ को श्रद्धांजलि देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने अंतिम विदाई दी। ये टेरिटोरियल इन फाइट है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये बाघ भी जवान ही है और शायद कोई दूसरा बाघ इसके क्षेत्र में आ गया। उस क्षेत्र में 3-4 नर बाघ हैं। अब जो दूसरा है ये T85 है, मगर जो दूसरा है उसका हम पता नहीं कर पाए हैं। वो भी लगता है घायल हुआ है काफ़ी। एक दो दिन में कैमरे वैमरे लगाए हैं तो उसके सामने उम्मीद है कि दूसरे का पता भी लग जाएगा। पिछले दोनों काफ़ी बाघ की मौत भी हुई है, तो ऐसे में जितने बाघ की मौत हुई है उसमें ये माना जा रहा है कि टर्टल फाइट है, तो क्या कुछ कारण है इस टर्टल फाइट के? रणथंभौर में बाघों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, मेल टाइगर्स ज़्यादा हैं, तो जब बड़े दूसरे मेल आते हैं तो वो उनको उनके जो स्थायी क्षेत्र है उसमें से निकाल देते हैं। अब ये सारे जवान टाइगर जो हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया में आ गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि या तो अलग अलग हो जाएं जिससे फाइटिंग वगैरह नहीं हो, और पहले उसको ढूंढते हैं जो दूसरा घायल है,